हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे जैसे so, जैसी समर्स की स्टार्टिंग हो रही है मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग से डीआईवाई लेके आई हूँ इट इज डीआईवाई टोनर

पोर्स को अच्छे से क्लेंस करता है आपके स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बनाता है आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है और आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करता है और मॉइस्चराइज करता है तो इसीलिए आज हम भी रेडी करने वाले हैं वाइटामिन सी रिफ्रेशिंग टोनर ये टोनर इतना रिफ्रेशिंग है ना कि जब आप इसे यूज करोगे ना अगर आप समर्स में बाहर से आ रहे हो आपकी स्किन पे आपको लग रहा है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है आप इसका एक स्प्रे करोगे ना एंड यू विल बी अमेजड कि आपको इतना मजा आने वाला है ना इसे यूज करके इसलिए आज हमारे टोनर का मेन इंग्रेडिएंट है ऑरेंजेस ऑरेंजेस में वाइटामिन सी होता है और दिस इज द मोस्ट रिफ्रेशिंग फ्रूट जो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है हमें पता नहीं होता कि ये छोटा सा फ्रूट हमारी स्किन के लिए कितना अमेजिंग काम करता है लेकिन आज आपको मैं बता दूंगी कि ये आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है सो so, ज्यादा टाइम ना लेते हैं हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो आप मेरी वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे स्टोनर को बनाने के मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं आपको इसमें यूज करना है मिंट लीव्स का मिंट लीव्स आपको पता है ये गर्मियों में आपकी स्किन के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करते हैं अगर आपकी स्किन किसी भी वजह से इरिटेट है जैसे हम धूप से आते हैं हम बहुत परेशान हो जाते हैं हमारी स्किन इची इची हो जाती है तो जैसे ही हम मिंट लीव्स को अगर पीस के भी अपने फेस पे लगा लेते हैं ना तो आपके फेस को बहुत ही फ्रेशनेस मिलती है और आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है काम हो जाती है और आपकी स्किन बिल्कुल कूल हो जाती है तो इसलिए आज हम अपने टोनर को और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए इसमें ऐड करने वाले हैं मिंट लीव्स को सेकेंड इंग्रीडियंट है हमारा जो मेन इंग्रीडियंट है दैट इज ऑरेंज आर लोडेड विद एंड विटामिन सी होता है हम बाहर से मार्केट से मार्केट खरीद के लाते हैं स्पेशली सी सी सीरम्स टोनर तो अगर हम इसे घर पे रेडी कर सकते हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल नेचुरल तरीके से तो क्यों ना करें इसलिए आज हम इसमें यूज करने वाले ऑरेंजेस का क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे से हमें वाइटामिन सी मिलेगा हमारी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होगी और हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट क्या हो गया नेचुरली वाटर क्योंकि वाटर की हेल्प से हम इसे रेडी करेंगे और हम इसमें ऐड करने वाले हैं एलोवेरा जेल को वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि मैं आप आपको बताऊंगी कि हमें इसे रेडी कैसे करना है क्योंकि हमें किस क्वांटिटी में इसे लेना है कैसे हमें इसे बनाना है कैसे हमें इसे, इसे अप्लाई करना है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ताकि आपको इसके फुल बेनिफिट मिले अब मैं आपको बताती हूँ की हमें इसे अब रेडी कैसे करना है आपको लेना है वन ग्लास ऑफ वॉटर इन अ पैन आपको ड्रिंकिंग वॉटर लेना है पीने का पानी आप वन ऑरेंज के पील को उतार लेना यानी कि संतरे के जो छिलक होता है उसको आपने अच्छे से उतार लेना है उसके बाद आपको ऑरेंज पील के छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं ताकि इजीली उसका जितने भी उसके बेनिफिट्स है ना वाइटामिन सी के जितने एंटी ऑक्सीडेंट्स है वो सारे आपके वाटर में इजीली आ जाए अब आपको क्या करना है आपको पानी में फाइनली चॉप चौपे करके आपने पानी के अंदर इस सारे ऑरेंज के पील को डाल देना है

स्ट्रेन करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है वन स्पून ऑफ एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल गर्मियों के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है प्लस इसका वाटरी टेक्सचर होता है जो कि आपकी स्किन को गर्मियों में बहुत अच्छा बना के रखता है सो मेक श्योर कि आप इसे जरूर ऐड करो इस सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है आपको इसे एक स्प्रे बॉटल में निकाल लेना है ताकि आप इसे अच्छे से स्प्रे कर सको अपने फेस पे अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की सो so आप इसे फ्रिज में रख देना ठंडा ठंडा इसे आपने कर लेना और जब भी आप अपने फेस को क्लेंस करते हो ना सुबह और रात को जब भी अपने फेस को आप धोते हो आपको इसका एक स्प्रे अच्छे से अपने फेस पे करना यह मत सोचना कि हाँ हम स्प्रे कंजूसी से करें अच्छे से लगाओ क्योंकि इतना रिफ्रेशिंग है जब ये आपके पोर्स में जाएगा ना तो आपके स्किन पे वो हेल्दी वाला ग्लो लेके आएगा ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा सो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कितना रिफ्रेशिंग है क्योंकि मैंने मेरा ये मोस्ट फेवरेट है तो आपको पता ही होगा कि मैंने इसे कितना यूज किया है और गर्मियों में यूज करके तो इसे मजा ही आ जाता है आप इसे इजिली वन मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको वन मंथ तक आप इसे यूज करो उसके बाद आप इसे अगेन बना सकते हो अगर आपको इसका बेनिफिट मिलता है तो सो so, अगर आप इसे बनाते हो और आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो यू मस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके फ्रेंड्स में या रिलेटिव में किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो आप उनके साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय